हाय, हेलो, जय श्री राम। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, हम लोग देख चुके हैं और ट्रिक्स से याद भी कर चुके हैं। अब हम लोग को देखना है स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स नाम से ही क्लियर है, जो कि स्पाइन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होती हैं। और ये सारी की सारी मिक्स फंक्शन होती हैं। मिक्स्ड मिक्स्ड का मतलब हो गया मोटर भी होंगी और सेंसरी फंक्शन भी करेंगी। मोटर एंड सेंसरी दोनों फंक्शन करेंगी। ठीक, मोटर एज वेल एज सेंसरी फंक्शन। कितनी होती हैं? 31 पेयर्स। 31 पेयर्स याद रखना है, 31 पेयर्स होती हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? जैसा कि बताया, वर्टिब्रल कॉलम से। तो वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो कितनी वर्टिब्री होती हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सी होती हैं? तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकेजियल। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकेजियल। ठीक, अब सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं? 7। थोरेसिक वर्टिब्री 12। लंबर 5। सैक्रल 1। कोकेजियल और 1। तो पहले ये याद रख लेते हैं कि ये कौन कितनी कैसे होती हैं, उसके बाद इन्हीं से तो निकलती है नर्व्स, तो वो याद करेंगे। तो इसके लिए भी सिंपल सी ट्रिक है, सिटी लखनऊ से कौन है। ठीक, सी टी मतलब कि सिटी, सी टी से हो जाएगा सर्वाइकल और थोरेसिक, लखनऊ एल से हो जाएगा लंबर, से सैक्रल और कौन मतलब कोकेजियल। को का जो ओ एन ई वन है, इससे हम लोग याद रखेंगे कि वन सिंगल बोन है जो कि फ्यूज होती है। अब हम लोग सब कुछ समझ लेंगे, पहले ट्रिक देख लीजिए। सिटी लखनऊ से कौन है? सी फॉर सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकीजियल। अब सर्वाइकल 7 क्यों है? सर्वाइकल में कैसी साउंड आती है? सा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो सर्वाइकल लिखेंगे ना, ऐसे तो लिखेंगे सर्वाइकल। ठीक है, तो सा, 7 से 7, सर्वाइकल हो गई 7। थोरैसिक में टी आ रहा है, टी फॉर 12। थोरैसिक में टी आ रहा है, टी फॉर 12। लंबर लंबर 5 हो गई। सैक्रल 1, कोकेजियल 1। क्यों? सैक्रल बेसिकली, सैक्रल में 5 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज होके सिंगल बोन बनाती हैं। सैक्रल में 5 छोटी छोटी बोन होती हैं जो कि फ्यूज होके सिंगल बोन बनाती हैं। और कोकेजियल भी 4 बोन्स होती हैं छोटी छोटी जो कि फ्यूज होके सिंगल बोन बनाती हैं। तो आखिरी वाली दोनों आपको याद होनी चाहिए कि एक एक हैं। आखिरी वाली कितनी है? एक एक हैं। ठीक है, आखिरी वाली एक एक हैं। सर्वाइकल 6 से 7, थोरैसिक टी से 12 और लंबर 1 तो खुद से याद कर लो। कौन सी? लंबर वाली, लंबर 5 होती है। ठीक, तो अब टोटल कितनी बोन हो गई? 26 बोन्स। ये 26 बोन्स होती हैं और इन्हीं से क्या होता है? ओरिजिनेट नर्व्स ओरिजिनेट होती है, जिनको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व्स। ठीक, अब जो सर्वाइकल वाली है, इससे कौन सी नर्व ओरिजिनेट होगी? सर्वाइकल नर्व। ठीक है, थोरैसिक से कौन सी निकलेगी? थोरैसिक नर्व्स। लंबर से लंबर नर्व्स, सैक्रल से सैक्रल नर्व्स, कॉकेजियल से कॉकेजियल नर्व्स। तो बस जो सर्वाइकल बोन है उससे जो नर्व निकल रही है तो सर्वाइकल नर्व हो गई, थोरैसिक बोन से थोरैसिक नर्व, लंबर नर्व, सैक्रल नर्व और कॉकेजियल नर्व। अब ये कितनी होती हैं? तो सर्वाइकल बोन्स कितनी थी? 7 थी, तो नर्व बस +1 कर देंगे, उसमें +1 कर दिया तो 8 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 8 पेयर क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगी। थोरैसिक नर्व्स कितनी हो जाएंगी? थोरैसिक 12 थी, तो बस सेम सेम रिपीट कर देंगे, 12 पेयर थोरैसिक नर्व्स, 12 पेयर हो जाएंगी थोरैसिक नर्व। उसके बाद लंबर की बात करेंगे, तो लंबर 5 थी, सेम रिपीट कर देंगे, 5 पेयर लंबर नर्व। सैक्रल, सैक्रल कितनी थी? सैक्रल बोन 1 थी, बट फ्यूज़ कितने से हो रही थी? 5 से फ्यूज़ हो रही थी ना। एस एस जो बना हुआ है, एस 5 की तरह तो दिखता है, तो सैक्रल नर्व कितनी हो जाएंगी? 5 पेयर, ये भी हो जाएंगी 5 पेयर। अच्छा, होती कितनी है? होती कितनी है टोटल नंबर ऑफ नर्व्स होती कितनी है? अभी बताया था ना, 31 पेयर्स याद रखिएगा। कितनी हो गई? 8, 12, 5, 5 हो गई। कितनी? 30।
तो मतलब एक ही तो बच रही है, तो वन पेयर नर्व हो जाएगी यहाँ से, वरना आप कह देते कि इससे तो फोर फ्यूज़ हो रही थी, तो फोर पेयर नहीं, फोर नहीं, एक ही बच रही है, तो फोर कैसे लिख सकते, 34 हो जाएंगी ना फिर तो। तो सिंगल पेयर आखिरी के कॉक्रीजियल वाले वर्टिब्री से निकलती है। तो जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं सेम सेवन थी, इसमें बस एक प्लस वन कर देंगे, एट क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगी। थोरैसिक 12 वर्टिब्री थी तो 12 पेयर थोरैसिक नर्व्स, 5 लंबर वर्टिब्री थी तो 5 पेयर लंबर नर्व, सैक्रल वाली भी तो 5 ही थी जो फ्यूज होके वन बनती हैं, तो सैक्रल नर्व भी 5 पेयर, और कोकेजियल वाली 4 फ्यूज होके वन बनती हैं, बट कोकेजियल में वन पेयर होगा, क्यों? क्योंकि 30 ऑलरेडी हो चुकी हैं, प्लस वन 31, तो 26 वर्टिब्री और 31 पेयर नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। तो सिंपल सी चीज़ है, इतना इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को आगे देखना है, ये 5 ग्रुप्स होते हैं, 5 ग्रुप्स वर्टिब्री के, और ये 5 ग्रुप्स होते हैं नर्व्स के। तो स्पाइनल नर्व्स इतना क्लियर हो गया। अब होता क्या है? होता ये है कि जो सारी की सारी वर्टिब्रल नर्व, सॉरी नर्व्स हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होती हैं और लीव करती हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ फोरामिना। किसकी हेल्प से? फोरामिना से। कौन सा फोरामिना होता है वो? इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इंटर वर्टिब्रल फोरामिना, फोरामिना मतलब एक छोटा सा छेद, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से लीव करती हैं, ठीक, और उसके बाद अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। तीन तीन से चार इनकी ब्रांचेस होती हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की, जैसे मान लीजिए ये चार ब्रांचेस हैं, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से जो वर्टिब्रल कॉलम से जो नर्व्स निकल रही हैं वो चार ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का ऑपोजिट क्या होता है? एंटीरियर, मेनिंजियल और विसरल, पोस्टीरियर एंटीरियर मेनिंजियल और विसरल। अब जो पोस्टीरियर वाला है, पोस्टीरियर क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वाला इज डॉर्सल ब्रांच होती है, पोस्टीरियर को ही बोलते हैं डॉर्सल ब्रांच, ठीक है। जैसे ये ह्यूमन फिगर है एक, तो ये बैक साइड हो गया, तो ये डॉर्सल डी का शेप बन रहा है, तो ये डॉर्सल हो गया पीछे का, और आगे वाला वेंट्रल होता है, ऐसे याद रख लीजिए। तो डॉर्सल मतलब बैक, तो डॉर्सल ब्रांच कहाँ सप्लाई करेगी? डॉर्सल ब्रांच हमेशा सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ बैक, मसल्स ऑफ बैक मतलब पीठ की तरफ, बैक की तरफ जितनी भी चीज़ें होंगी हिप रीजन में, वहाँ पे सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ बैक, स्किन ऑफ बैक, क्योंकि ये पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल ब्रांच है। अब एंटीरियर की बात करते हैं, तो एंटीरियर को क्या बोल देंगे? वेंट्रल बोल देंगे, वेंट्रल बोल देंगे। तो जो ये वेंट्रल ब्रांच है ये कहाँ पे सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी ऑर्गन्स ऑफ फ्रंट, फ्रंट में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? सारे ही ऑर्गन फ्रंट में ही तो होते हैं, पीछे भी कोई ऑर्गन होता है क्या? हाँ, रेट्रोपेरिटोनियल होती है, जो किडनी होती है पीछे से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट तब भी ऑर्गन तो वो आगे का ही है ना, तो सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो फ्रंट में होंगे, जैसे कि लिवर, हार्ट, ठीक है, स्टमक, सारी चीज़ें आगे हैं, तो उनमें कौन सप्लाई करेगा? ऑर्गन्स ऑफ फ्रंट में, वेंट्रल, वेंट्रल वाला पार्ट जो है स्पाइन का, जो वेंट्रल वाला पार्ट है, इन्हीं इन्हीं स्पाइनल नर्व से जो वेंट्रल वाली जो डिवीजन होगा वो सारा पार्ट कौन कवर करेगा? वेंट्रल वाला पार्ट कवर करेगा फ्रंट ऑर्गन्स के लिए। उसके बाद मेनिंजियल, मेनिंजियल नाम से ही क्लियर है, मेनिंजस कहाँ पे होती हैं? ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, तो मेनिंजस में, ठीक है, मेनिंजस में, और मेनिंजस के अलावा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में भी तो नर्व्स चाहिए होती हैं ना, ब्लड वेसल्स में, और उसके अलावा लिगामेंट्स में, और खुद के पार्ट्स मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में भी तो नर्व की सप्लाई चाहिए, वर्टिब्रल कॉलम में भी तो नर्व की सप्लाई चाहिए, अगर वर्टिब्रल कॉलम में नर्व की सप्लाई नहीं होगी तो फिर तो चिराग तले अंधेरा हो गया ना, कि जहाँ से रोशनी आ रही है वहीं पर रोशनी नहीं मिल रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम में मेनिंजियल जो पार्ट होता है वो मेनिंजियस में, ब्लड वेसल्स में, लिगामेंट्स में, वर्टिब्रल कॉलम में सप्लाई करता है। फिर विसरल, विसरल क्या हो गया? फर्स्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर, फर्स्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर, ये देख रहे हैं आप, थोरैसिक और लंबर, थोरैसिक 12 पेयर थी, लंबर 5 पेयर थी, तो विसरल वाली फर्स्ट थोरैसिक
टू थर्ड नंबर, विसरल वाली में क्या होती है? विसरल वाली कौन सी होती है? पहली बात तो फर्स्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर होती है, और ये सिंपैथेटिक चेन को ज्वाइन करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी चेन को ज्वाइन करती है। ठीक है, सिंपैथेटिक चेन को ज्वाइन करती है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम लोग इसमें प्लेक्सस पढ़ेंगे। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क। तो जो मेन स्पाइनल नर्व होती है, ठीक है, एंटीरियर या फिर वेंट्रल ब्रांच की, ठीक है, ये एंटीरियर और वेंट्रल ब्रांच वाली जो मेन नर्व है, ये जो मेन नर्व है एंटीरियर या वेंट्रल वाली, इसी से प्लेक्सस बनते हैं। ठीक है, ये प्लेक्सस बनाती हैं, और ये प्लेक्सस होते हैं 5 in number, बनाती हैं प्लेक्सस, प्लेक्सस। ठीक है, कौन कौन से आपने सुने होंगे? सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर, सैक्रल, कोकिजियल प्लेक्सस। तो ये जो 5 plexus है ना, ये हम लोगों को पढ़ने होंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन कौन से? वही सेम, सर्वाइकल, सी फॉर सर्वाइकल, सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर, सैक्रल और कोकिजियल प्लेक्सस। सर्वाइकल, लंबर, ब्रैकियल, सैक्रल और कोकिजियल प्लेक्सस। तो ये हम लोगों को प्लेक्सस पढ़ने होंगे। और ये प्लेक्सस कहाँ से अराइज होते हैं? मैस, मैसेस, ये जो मैस बनती है, जो मैश या फिर जो जिसको बोलते हैं एक जाल टाइप का बनता है नर्व्स का, वो किससे बनता है? वेंट्रल पार्ट से, जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके वेंट्रल डिवीजन से ये प्लेक्सस बनते हैं। स्पाइनल नर्व्स के वेंट्रल डिवीजन से ये प्लेक्सस बनते हैं, सर्वाइकल, ब्रैकियल, लंबर, सैक्रल और कोकिजियल प्लेक्सस। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे प्लेक्सस के ऊपर, सर्वाइकल, फिर ब्रैकियल, लंबर, सैक्रल और कोकिजियल प्लेक्सस। तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।